जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में आज हम लोग भारत की प्रमुख नदियों की सहायक नदियां देखेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सहायक नदियों से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम कोई सा भी हो। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे भारत की प्रमुख नदियों की सहायक नदियां। वैसे दोस्तों, हमने नदियों पे बहुत सारी वीडियो बनाई है और उस वीडियो में हमने सारी बातें डिटेल से बताई है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, उसकी क्या विशेषता है। तो आप उन वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ पर हम लोग सिर्फ भारत की जो प्रमुख नदियाँ हैं उनकी सहायक नदियों के बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे सिंधु नदी। आप जानते हैं कि सिंधु नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये नदियां तो आप अक्सर सुनते आते हैं कि ये सिंधु की सहायक नदियां हैं, लेकिन अन्य नदियां भी हैं जो सिंधु की सहायक नदियां हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ध्यान देंगे, नुब्रा, जास्कर, काबुल, गोमल, तोंची और सनहार। ये नदियाँ भी दोस्तों सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि नुब्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो ध्यान रखिएगा सिंधु नदी की। तो आपको उन चीज़ों पे ध्यान देना है जो आप नहीं जानते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि सिंधु की और कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, नुब्रा, जास्कर, काबुल, गोमल, तोंची और सनहार, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे गंगा नदी। गंगा नदी के बारे में आप जानते हैं कि गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसकी आप सहायक नदियां देखेंगे तो यहाँ ध्यान देंगे यमुना। आप जानते हैं कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। फिर आप देखेंगे सोन, रामगंगा, गोमती, काली, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा और दामोदर। ये सभी नदियां दोस्तों गंगा की सहायक नदियां हैं। इनमें से एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो काली नदी है इसको शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको नोट करके चलेंगे। फिर आप यहाँ पर आएंगे ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की अगर आप सहायक नदियाँ देखेंगे तो दिहांग, लोहित। लोहित को ध्यान रखना है, लोहित को खूनी नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये एग्जाम में पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र की बह सहायक नदी कौन सी है जिसे खूनी नदी के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा लोहित नदी को। फिर आप देखेंगे मानस, कमला, कामेंग, संकोस, तीस्ता, सुबनसिरी। ये सुबनसिरी को ध्यान रखिए, ये जो सुबनसिरी नदी है ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये भी पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा सुबनसिरी। जैसे गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, वैसी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी सुबनसिरी है। फिर आप देखेंगे धनसिरी और फिर आप देखेंगे बराक। तो ये सारी नदियां दोस्तों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। उसके बाद यहाँ पर आएंगे महानदी। महानदी से भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान रखना है। महानदी में अगर आप सहायक नदियां देखेंगे तो ईब, तेल, जोंक, हंसदेव, मांड और शिवनाथ, ये सभी नदियां महानदी की सहायक नदियां हैं। तो ध्यान रखिएगा महानदी की कुछ नदियों के नाम थोड़े से अलग हैं। तो क्या ध्यान रखना है? ईब, तेल, जोंक, हंसदेव, मांड और शिवनाथ, ये सभी नदियां महानदी की सहायक नदी हैं। फिर आप आएंगे गोदावरी। गोदावरी नदी से बहुत बार इसकी सहायक नदियों के बारे में पूछे जाते हैं,
तो ध्यान रखिएगा, गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं पेन गंगा, वर्धा, पूर्णा, प्रवरा, मंजीरा और इंद्रावती। ये सभी नदियां गोदावरी की हैं। बहुत बार पेन गंगा और बेन गंगा को लेकर पूछा जाता है कि पेन गंगा बेन गंगा किस प्रमुख नदी की सहायक नदियां हैं, तो ध्यान रखिएगा गोदावरी नदी की। साथ ही साथ यहाँ पर भी ध्यान देखिएगा वर्धा को, पूर्णा को, प्रवरा को, मंजीरा और इंद्रावती, इन नदियों को भी ध्यान रखना है जो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। फिर आप आगे आएंगे कृष्णा नदी। कृष्णा नदी को भी ध्यान रख के चलना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कृष्णा नदी की अगर आप सहायक नदियां देखेंगे तो पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, मूसी और कोयना, ये सभी नदियां कृष्णा की हैं। और बहुत बार पूछा गया है कि पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, मूसी, कोयना नदी, ये सभी नदियां किसकी सहायक नदियां हैं, तो ध्यान रखिएगा कृष्णा नदी की। इसको नोट करके चलना है। कोयना नदी को लेकर तो बहुत बार पूछा गया है कि कोयना नदी किसकी सहायक नदी है, तो ध्यान रखिएगा कृष्णा की। उसके बाद अन्य नदियों को देखेंगे। यहाँ पर कावेरी, भारत में बहुत सारी प्रमुख नदियां हैं और हम लोग एग्जाम की दृष्टि से वही नदियों को पढ़ेंगे जो बहुत बार पूछे जाते हैं। अब हम लोग कावेरी की सहायक नदियां देखेंगे। कावेरी की सहायक नदियों में आप देखेंगे तो भवानी, शिमसा, लोकपानी, लक्ष्मणतीत, हेरांगी, हेमवती, अमरावती, अक्रावती और सुवर्णवती, ये सभी नदियां दोस्तों कावेरी की सहायक नदियां हैं। तो इसको ध्यान रख के चलना है आपको कि कावेरी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, भवानी, शिमसा, लोकपाणी, लक्ष्मणतीत, हेरांगी, हेमवती, अमरावती, अक्रावती और सुवर्णवती, ये सभी कावेरी की सहायक नदियां हैं। आगे देखेंगे यमुना। यमुना नदी आप जानते हैं कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो यमुना की सहायक नदियां देखेंगे चंबल, केन, बेतवा, सिंध, रिहंद, सेंगर, वरुणा और हिंडन, ये सभी नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं। तो ध्यान रखिएगा यमुना की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, चंबल, केन, बेतवा, सिंध, रिहंद, सेंगर, वरुणा और हिंडन। फिर आप आगे आएंगे नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को ध्यान रखना है, नर्मदा नदी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नर्मदा नदी की अगर आप सहायक नदियां देखेंगे तो हिरण, गोर, बंजर, शेर, शक्कर, गंजाल, कोलार, वरना, तवा और हथनी, ये सभी नदियां नर्मदा नदी की हैं। और नर्मदा नदी एकमात्र ऐसी नदियां हैं जिसका नाम दोस्तों किचन के सामग्री के आधार पर रखा गया है। किचन के सामग्री जैसे तवा है, शक्कर है, इस प्रकार के नाम जो है इनकी सहायक नदियों के नाम हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए नर्मदा की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, हिरण, गोर, बंजर, शेर, शक्कर, गंजाल, कोलार, बरना, तवा और हथनी, ये सभी नदियां नर्मदा की हैं। फिर आप देखेंगे चंबल। चंबल नदी की अगर आप सहायक नदियां देखेंगे तो शिप्रा, फिर आप देखेंगे काली नदी, पार्वती नदी, शीप नदी, बनास नदी, चाकड़ नदी और कुरान नदी, ये सभी नदियां चंबल की सहायक नदियां हैं। तो ध्यान रखिएगा चंबल की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, शीप, बनास, चाकड़, कुड़ाल,
ये सभी नदियां चंबल की हैं। फिर आप देखेंगे लूनी नदी। लूनी नदी से अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था इसकी सहायक नदियों को लेकर, तो ध्यान रखिएगा लूनी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, सूकड़ी, जवाई, खारी, बांडी, जोजड़ी, गुरिया और मिंडी। ये सभी नदियां दोस्तों लूनी की सहायक नदियां हैं। लूनी को ध्यान रखना है, थोड़ा सा इसकी सहायक नदियों के नाम थोड़े से अलग तरीके के हैं, जैसे कि सूकड़ी, जवाई, खारी, बांडी, जोजड़ी, गुरिया और मिंडी। ये सभी नदियां लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये दोस्तों भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उनकी सहायक नदियों के बारे में हमने बताया। तो आप अपनी कॉपी पर इसी तरीके से नोट कर लीजिए, एग्जाम टाइम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।